क्या हो गया इधर क्या इधर आ इधर बैठने में भी रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। यार चारा लेकर हम सेटअप पर आ गए हैं। कितना खूबसूरत हसीन मौसम हुआ है यार जो भाई, है ना यार, कमाल का मौसम है। सर्दी तो यार मुड़ मुड़ के आ रही है। हमने मुड़ मुड़ के सारी छिटे उतार दी थी, इसकी भी उतार दी थी, स्टील की भी उतार दी थी, देसी की भी सारी उतार दी थी यार। धूप इधर से सीधा आगे इनको लगती है। हमने सोचा था कि यार ये वाले जो दोनों गेज है इनको उठा के दरख्त के नीचे रख देंगे, असील का और गोल्डन बफ का। ये पहले भी गर्मियों में वहां पे पड़े होते थे। और देसी का मैं सोच रहा था और सारी इनको गर्मी लग जाएगी, ता लग जाता है यार, मर जाते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है हमारी मुर्गियों को। पहले भी हो गया था पिछली गर्मियों में यार। पिछली गर्मियों में हमने ये जो हमारा पैरेंट जोन है ना, इसके अंदर हमने मुर्गियां छोड़ी थी। और पेट जोन के अंदर तो कबूतर ही थे पहले, खरगोश वगैरह हमारे पास नहीं थे। तो पेट जोन में यार मुर्गियों का इतना बुरा हाल हो जाता था, हम एक चद्दर यार अटका देते थे सामने और खुद हम देर से आते थे। जब आके देखते थे तो मुर्गियों का बुरा हाल होता था। जितना मर्जी इनको पानी देते थे सारा पानी धूप से खत्म हो जाता था और ये पानी पिए बगैर नडाल हो जाती थी। तो हमने सोचा यार इनको अब हम छांव में रख देंगे गर्मी आने से पहले पहले ही, ताकि यार ये सुकून से रहे। यार इनका दाना पानी हम इनको अंदर ही रख दिया करेंगे, पानी की हम गैलन लेके आएंगे बड़ी वाली, वो गैलन इसके अंदर रख देंगे। यार हमारी डक पानी गंदा कर देती है, सारा पानी खराब कर देती है और मुंह में डाल के ना नीचे फेंकती रहती है। जितना बड़ा मर्जी बर्तन हो इन्होंने खाली कर देना, दो घंटे के अंदर अंदर बर्तन को खाली कर देती हैं। फिर मुर्गियाँ पानी नहीं पी सकती हैं, तो फिर हमें डक के लिए अलग केज बनाना पड़ेगा। अगर इनके साथ रखनी है तो फिर यार हमें बड़ी गैलन लाना पड़ेगी, आराम से पानी पिए और आराम से एक दूसरे के साथ मिल के रहे, उनका पानी ज़ाया ना करें, मुर्गियाँ भी पानी पी सकें। और ये भी यार एहसान, चल यार पट्ठे डालते हैं बकरियों को और कबूतर वगैरह खोलते हैं, दूसरा पकड़ लो। चलो भाई चलो भाई चल भाई, रेशमा रेशमा को डालो यार पहले। चलो अब नहीं आएगी रेशमा इधर, ज्यादा चारा आ गया भाई आज, ज्यादा चारा। चलो मक्की चीनी के शॉपर में ज्यादा चारा है। चल मक्की चीनी नीचे नहीं गिराना चारा, ठीक है? रेशमा को बांध दिया। चलो ठीक है। यार तुम्हें एक बात बताऊं, क्या एक बड़ा मजे का काम हुआ हुआ है पैट जोन में? क्या मतलब दिखाता हूँ यार, बड़ा ही मजे का काम हुआ है। चला काम हो गया भाई। आए 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 भाई, कितनी प्यारी लगती है यार दरख्त पे चिड़िया बोलती। यार चिड़िया भी आती है, डव भी आती है, और अल्लाह गड़े शिकराना है यार, आया भी ना तो उसको पकड़ लेना, ये जाल लगा है ना। मुझे तो लगता है यार हमने इसके अंदर ना इधर चीजें अटका दी थी, मुर्गी के पंख वगैरह कोई इस तरह की चीजें अटका दी थी ताकि ये आए इसको पकड़े और फंस जाए। मुझे लगता है वो इसमें फंसा है, हम नहीं आए, वो निकल नुकल गया, डर गया, लेकिन अब आता नहीं है अल्लाह का शुक्र है। चला यार सामने भी दिखाओ, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं यार क्या हो गया है। काम बड़ा मजे का हुआ है यार। क्या दिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। पैरेट जोन में क्या? पैरेट जोन में, पैरेट जोन में यार हमने गोल्डन के नीचे कल यहाँ से बेबी उठा के रख दिया था, ये फीड नहीं करवा रहे थे, तो इससे माशाल्लाह से इसको फीड करवाया हुआ है। सही है, हेल्दी वेल्दी है, मोटा ताजा है, इसको रख देते हैं वापिस। और ये देखे गुस्सा करना लग गया, पहले नहीं ऐसे करता था, अब इसे इस तरह करना शुरू किया। बेबी है यार, उई तेरी मान उन्नी जोर दी मार दे यार। चलो रख दो, रख दो, रख दो, रख दो उसने। वे ये देखो, वे कोई पिजन इस तरह नहीं पकड़ता यार, इतने जोर से, वो देखो ऐसे लग रहा जैसे से उठा रहा है ऊपर से खेड़ना है मेरा। चलो आजा यार किसान, वो देखो कहाँ पे एग दे दिया उसने, ये काम कह रहे हो मजे का। ओए नहीं, इससे भी मजे का काम है ये, किधर यार इसने अंडे दे दिए भाई। इसको छोड़ो, जो एक और मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहाँ पे एग दिए हुए हैं ना, ये किसने दिए हैं? नहीं सकते एग कहाँ पे दिए, इधर आ जरा, अंदर आ, तू अंदर आ। क्या इधर तो आ, क्या हो गया इधर? आ इधर आ, इधर रैबिट ने बेबी दे दी। और नहीं, रैबिट ने बेबी दे दी है, रैबिट के केज में देख क्या हुआ है, चेक कर। वही अंडे है भाई, यही तो तुझे दिखा रहा हूँ यार। ये लक्के कबूतर के साथ फीमेल लगी है ब्राउन कलर की, इसके अंदर बैठ के इसे अंडे दे दिए यार, रैबिट के केज में अंडे दे दिए इसे। देखे यार एहसान, देखो तो यार ये किधर अंडे दे दिए, इधर नहीं देने चाहिए थे यार इसको। अगर रैबिट भी इधर बेबी दे दे तो दे देना यार, अच्छी बात है। तो यार खैर इसने टू एग्स दिए हुए हैं यार, ये तो बहुत काम खराब है भाई। यार ये इसके अंदर घुसे रहते थे, मुझे यही लगता था कि यार इसके अंदर इन्होंने अंडे दे देने। खैर चलो
सही है, इसके साथ ही फीमेल रैबिट बेबी दे देगी, इसके साथ ही पिजन के इसके साथ फीमेल पता है कौन सी लगी हुई है? मुझे पता है, हाँ, जिसका मेल खा गई थी बिल्ली, वो जो उड़ गई थी उसने लक्के के साथ, ये है ये है ये है, इसने लक्के के साथ पेड़ लगा लिया, पेड़ देखो किसके साथ लगाया, लक्के के साथ, बच्चे पता नहीं अब किस तरह के निकलेंगे, जाओ आप अंडों को इनक्यूबेट करो, सोनी कबूतरी के बेबी देखो, वो कबूतरी है और बेबी माशाल्लाह ब्लैक एंड व्हाइट बन रहे हैं बेबी, बेबी दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम एक जैसे हैं। चलो भाई, चलो भाई सिल्वर बेबी दिखाओ जरा, देखो माशाल्लाह इसके दोनों ही सिल्वर निकालने हैं और सेम टू सेम एक जैसे हैं यार, सोनी कबूतरी के बेबी, ये देखो एहसान, इसके पंख यहाँ से व्हाइट व्हाइट है स्लेटी के बाद, ये देखो इसके भी देखो यहाँ से व्हाइट व्हाइट है, यहाँ से व्हाइट व्हाइट है, बाकी स्लेटी है, ये छोटा बेबी है, ये थोड़ा बड़ा है, इसके पंख बड़े हो गए, इसके छोटे हैं, चला यार एहसान इनको दाना वगैरह डालते हैं दोस्तों। हाँ, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, इसका जो दूसरा पार्टनर है ना वो तो हो गया बहुत यार, ये सबसे दाना लेता रहता है, कभी किससे कभी किसी से कभी किसी से, और इसको दे भी देते हैं यार कबूतर दाना, और इसीलिए ये माशाल्लाह हेल्दी है। चलो यार जो भाई बाहर चले, हमें तो ये सरप्राइज ही मिल गया, ये तो यार सरप्राइज ही मिल गया। चलो भाई आजो 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 आजो, गोल्डन बफ को खोल दो भाई, गोल्डन बफ को खोल दो, चल भाई आजा 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 आजा, ध्यान से, असील की तो गोल्डन बफ के साथ दुश्मनी है ना, बड़ी हैवी वाली, तब आ गई आ गई आ गई, किसी तरीके से हमें पकड़ना है, वो उड़ गई, उड़ गई है, बैठी हुई है मुझे लग रहा है, हमारे पेड़ तीनों पूरे हैं यार, एक पेड़ जो इसको खत्म कर देना है बकाया, इसको ये वाला आ गया, आ गया जंगली आ गया यार, ये हम तो इतना डरते नहीं है, थोड़ा सा मुर्गियों से डर रहे हैं, हमसे नहीं डर रहे, मैं सुबह आया था मेरे पास घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे जैसे हमारे पिजन घूम रहे हैं, तो ये सारे आ जाते हैं माशाल्लाह से, 240-250 हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे, इन्होंने बेबी निकालने हैं, थोड़ा कहीं पे शटर दुकानों के ऊपर 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 ऊपर, कहीं पे छोटे छोटे एग्जॉस्ट लोगों ने रखे हुए हैं वहाँ पे, एसी के आउटडोर के बाहर सारे यहाँ पे यार, जितने भी घर है ना हर घर में किसी न किसी तरह से इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, वहाँ पे नेस्टिंग किया, हमारा घर यार नीचे है, इधर नहीं बनाते, यहाँ से इनको पता है बिल्ली खा जाएगी, बड़े सियाने होते हैं, ये जो हमने बेबी पकड़ा था यार, इसके पास देखो निकल रहे हैं बीच में, इसकी टेप लगी है, मैं उतारने लगा हूं इसकी टेप, उतार दो यार, उड़ना होगा, उड़ जाएगा, जाना होगा, चला जाएगा, नहीं तो फिर यहीं पे रहेगा, बेचारे के पंख देखो सारे खराब हो गए हैं टेप के साथ, आपने ज्यादा पंख दबाए थे इसके, नहीं दबाए नहीं थी, ये पहले की लगी हुई है बाबा, मैंने तो खोल के आगे आगे लगाई थी, लूज करके मैंने लगाई थी, ये देखो जरा सारे बेचारे के पंख खराब है, चलो उतार दो उतार दो, दोनों उतारता हूँ, दूसरा भी उतारता हूँ, ले यार एहसान ये टेप उठा भाई, इसको थोड़ा सा उड़ाऊं ऊपर को, नहीं 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 नहीं, आराम से छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई, और गया भाई केज के अंदर। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल शेयरी लोग देती शो को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।